आपका हमारे YouTube चैनल ऑथर्स कॉम्बिनेशन में स्वागत है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
बोले आज हम आपसे आपका रूप मांगने जा रहे हैं। रूप भगवान ने कहा, रूप कैसे मांग रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आज हमारा मन हुआ है कि हम भी विवाह करें और हम भी अपनी गृहस्थी बसाएं, बस घूमते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें, अब हम भी अपनी पत्नी के साथ सेटल होना चाहते हैं, हमारे भी बच्चे होंगे, घर होगा, एक बढ़िया घर बनवा लेंगे 100-200 गज में और वहीं आनंद से रहेंगे। भगवान बोले, तो शादी विवाह में फिर हम क्या मदद करें? बोले आप अपना रूप हमें दे दो। अपना रूप कैसे? अरे हम बुढ़े हो गए हैं ना, दाढ़ी मूछ पक गई है, आप तो हमेशा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना रूप दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए। और विवाह के बाद फिर भले पत्नी कहती रहेगी कि मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, कहती रहे, कहती रहे, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक के लिए मैं जवान दिखूं। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा शादी के समय लोग कितनी लिपाई पुताई कर लेते हैं। शंकर जी ने कहा, नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान से नारद जी ने कहा, जेहि बेधे नाथ नादान बालक हूं, मुझे थोड़ी खबर है कि मेरे लिए कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से कहते हैं हमें गर्म दूध पिलाओ, तो क्या गर्म दूध पिलाती है माँ? अरे ठंडा करके, माँ को पता है, बच्चा ये नहीं जानता गर्म ठंडा क्या होता है, पर माँ तो जानती है ना। तो जैसे मैं मेरा हित हो, तब भगवान ने कहा, जेहि बेधि हो यहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवे नयान कछु बचन नम्रशा हमार। नारद जी को भगवान ने अपना रूप दे दिया। अच्छा, पहले गांव में ऐसे ही होता था, लड़के वाले लड़के को देखने आते थे ना, तो लोग पड़ोस से सोफा मंगा के ले आते थे ताकि लड़के वालों को लगे कि भाई इनके घर सोफा भी है। कूलर वगैरह मांग कर गाड़ियां ले आते थे, बाहर खड़ी कर लेते थे, ये बताने लड़के वालों को ना बेवकूफ बनाने के लिए कि सुनो जी हमारे पास गाड़ी है, और जब शादी हो जाएगी तो फिर बाद में तो हो गई शादी, अब कौन कुछ बोलने वाला। पहले ऐसा होता, नारद जी भी कुछ ऐसे कर रहे, अपना वाला रूप हमें दे दो। भगवान ने दे दिया, कौन सा वाला? भगवान के तो सारे रूप है, 84 लाख योनियां है, सारे रूप भगवान के हैं, हरि अनंत हरि गजानंदा। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, नारद जी को बंदर बना दिया। अब सब लोग तो नारद जी को नारद जी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन विश्व अब दूसरा दिन आया, भगवान ने नारद जी को अपना रूप दे दिया बंदर वाला, अब नारद जी बंदर जैसे लगने लगे। अच्छा, अब चले नारद जी विवाह करने, और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, आज वीणा उतार के किनारे रख दी है, हाँ, और सज धज के नारद जी जा रहे हैं। और दूसरे दिन क्या था कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, बड़े बड़े राजा आए थे, सिंहासनों पर बैठे थे, और विश्व मोहिनी माला लेकर चल रही थी, जिसके गले पे माला डाल देंगी वह उसका पति हो जाएगा। पहले स्वयंवर होता था, स्वयं से वरण करने की, जो
रूट थी, तो वहां पर नारद जी गए और जिस लाइन पे नारद जी जिस लाइन पे विश्वमोहिनी जा रही थी, तुरंत नारद जी वहां जाके कुर्सी पे आगे बैठ गए और विश्वमोहिनी से कहने लगे, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ हम बैठे हैं, आओ इस तरफ। अब विश्वमोहिनी माला लेके गई और देखा तो राम राम बंदर। विश्वमोहिनी को बड़ा बुरा लगा, हे भगवान मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि मेरे विवाह में बंदर भी आए। अब विश्वमोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दी और दूसरी लाइन तरफ चली गई माला लेके। नारद जी को लगा हो सकता है इन्होंने मुझे अच्छे से देखा नहीं। अब नारद जी तुरंत इस लाइन से उठे, उस लाइन में जाकर बैठ, देखो नाच रहे हैं नारद जी। और अभी कह रहे थे हमने काम को जीत लिया और देखो अब ये काम के चक्कर में नाच रहे हैं कि नहीं। इस लाइन को छोड़कर अब उस लाइन में जाकर बैठ गए। वहां जाकर बैठे विश्वमोहिनी आई और उन्होंने देखा, हे भगवान विश्वमोहिनी ने कहीं बंदर तो पीछे पड़ गया। अब विश्वमोहिनी ने उस लाइन को भी छोड़ दिया, मतलब जिस लाइन में नारद जैसे महान संत बैठे होते हैं काम तो उस लाइन को ही छोड़ देता। अब नारद जी कभी यहाँ उठ के जाए कभी वहां उठे। अच्छा वहां शंकर जी के दो गुप्त चर्चे, दो शिवगण संवाददाता। आज के मुख्य समाचार पल पल की जानकारी शंकर जी को दे रहे थे गण, शिव जी के गण। और वो शंकर जी, अच्छा उन गणों को ना बिल्कुल दिख रहा था कि ये बंदर बने हैं नारद जी, तो वो बड़ी मजा ले रहे थे। नारद जी से कह रहे थे, वाह आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप जैसा तो यहाँ कोई नहीं है। नारद जी बोले, अच्छा क्यों ना लगे, भगवान ने रूप दिया। तो नारद जी ने उन गणों से कहा, क्यों जी यदि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ तो ये मुझे माला क्यों नहीं पहना रही है। शिव गणों ने चुटकी लेते हुए